हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आए दिन कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मेरे पार्टनर जो हैं मुझसे प्यार करते हैं, आप बताते हैं रीडिंग में, लेकिन वो मैसेज क्यों नहीं करते हैं, कॉल क्यों नहीं करते हैं। अब गाइस हम उसका ही पता लगाएंगे यहाँ पर कि वो आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? ये बार बार जो है क्वेश्चन उठता है कि वो अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर वो आते क्यों नहीं है, वो कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं करते हैं। तो ये रीडिंग आज आपके लिए है, अगर आपका क्वेश्चन यही है तो, ठीक है? और इसको जो है कोई भी देख सकता है, आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ऐसा क्या कारण है? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या कारण है कि आपके पर्सन जो है आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बोटा तो देखे मेच्योरिटी, अभी मेच्योर नहीं हुए, मेच्योरिटी की जरूरत है उनके अंदर अभी, ठीक है? वो जब मेच्योर होंगे, जब वो अच्छे से सोचने समझने लगेंगे तब कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, अभी तो वो इमेच्योर बिहेव करते हैं, ठीक है? जैसे एक यंग बॉय यंग गर्ल जैसे करते हैं उसी तरह की वो हरकत करते हैं, मेच्योरिटी की कमी है यहाँ पर, ठीक है? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ये जो रिलेशनशिप है ये बर्डन लगने लग गया, एनर्जी सक कर लगने लग गया। उनको ऐसा लगता था कि जैसे ये एनर्जी सक करने वाला, ये रिलेशनशिप कभी भी वर्कआउट नहीं कर सकता है, ठीक है? देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अपने दोस्तों में रहना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके साथ में सेलिब्रेट करना, हर चीज़ को एंजॉय करना, लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में आर्गुमेंट्स हुए हों, क्योंकि यहाँ पर बर्डन का कार्ड है कि उनको अब ये धीरे धीरे जो है बर्डन लगने लग गया हो सब कुछ। आप लोगों में आए दिन कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, लड़ाई झगड़ा होता होगा, जिससे उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एनर्जी सक करने वाला है, एनर्जी सक्कर बन गई है, ठीक है? ये वर्कआउट नहीं कर सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो उनको ऐसा लगता है कि जब मैं इसमें एंट्री मारने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस फील होती है। या मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि उनके फैमिली उनको उल्टा सीधा भरती होगी, ठीक है? या उनके आसपास के लोग उनको उल्टा सीधा भरते होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस का कार्ड है। और देखिए यहाँ पर मंकी जो इसमें सुई चुभो रहा है इस बैलून में, और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस पर्सन के आजू बाजू में हैं, अंदर ही अंदर जो है उनको खोखला कर रहे हैं, अपने थॉट्स सेंड कर करके, नेगेटिव थॉट्स सेंड कर करके। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका माइंड जो है कुछ चेंज हो गया है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये कभी वर्कआउट नहीं कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरे को उल्टा सीधा शब्द इस्तेमाल किया हो। कई बार जैसे हम लोग गुस्से में होते थे एक दूसरे को उल्टा सीधा शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, गाली देना इस तरह की। तो हो सकता है कि वो चीज़ें उनको हर्ट कर रही हों और इसकी वजह से वो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हों। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि जो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ये दिखाते हैं कि उनके साथ में खुश रहना, एंजॉय करना, कुछ फ्लर्टी नेचर भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्यार तो करते हैं क्योंकि सपने तो आपके लेते हैं। यहाँ पर ये ड्रीम का कार्ड है, सपने तो वो आपके लेते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उनको प्यार हो गया है। हो सकता है कि पहले आप दोनों में इतना अटैचमेंट अट्रैक्शन नहीं था, पहले एक फ्रेंडशिप तक सीमित था आपका जो रिलेशनशिप है ये। और अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 जो है जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है तो उनको कहीं ना कहीं आपसे प्यार भी हो गया है, वो ड्रीम भी लेते हैं आपके। ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी जब वो
आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके मुझे जाना चाहिए। हो सकता है कि इसी वजह से वो आपसे मूव ऑन होकर गए हों। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लाइफ में फैमिली इशू ज़्यादा हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो बाहरी लोगों का ज़्यादा इंटरफियर आपकी लाइफ में देखने को मुझे मिल रहा है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो चाहते तो हैं कि मैं एक हैप्पी लाइफ बनाऊँ, अपने पार्टनर के साथ में मैं जो है अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, हमारी लाइफ में हार्मनी हो, पीस हो। लेकिन गाइस होता क्या है, यहाँ पर वो सोचते हैं ठीक है, लेकिन पोस्टपोनमेंट, उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, शायद अभी नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑन ऑफ की सिचुएशन भी रहती हो कि कभी आते हों 2-4 दिन और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, फिर चले जाते होंगे, फिर आते होंगे, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, फिर चले जाते होंगे। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मैंने यहाँ पर बताया कि देखिए आप लोगों में जो कहा सुनी हुई है उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो कई बार क्या होता है कि देखिए थप्पड़ से वो तकलीफ नहीं होती है जितना जबान से निकले हुए शब्द से होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोले हों कि वो उनको हर्ट कर रहे हों, जिसकी वजह से वो आपसे अटैचमेंट नहीं फील कर रहे हों। मन ही मन तो बहुत चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि वो आपको दिखाते नहीं हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अब मेरी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, इस तरह की एनर्जी अगर उनकी होगी तो भी वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग भी उनको जो है उनकी लाइफ पर इफेक्ट डाल रही हैं, उनको समझा रहे हैं उल्टा सीधा जो है कि ये नहीं, अब तुम्हारा ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता है, तुम्हें इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जी भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर 5% लोगों की दिखाई दे रही है कि इस वजह से भी वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा भी मुझे नज़रिया दिखाई दे रहा है कि वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, ट्रस्ट इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता है इट मीन्स ये किसी और को चाहता है या चाहती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर। सबसे बड़ी मुझे यहाँ पर 10% लोगों की तो समस्या मुझे यही दिखाई दे रही है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसी वजह से हो सकता है कि वो आपके ऊपर भरोसा ना करते हों और वो पोस्टपोन कर देते हों चीज़ों को, ठीक है। वो आपके साथ आना भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं लेकिन वो पोस्टपोन कर देते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं एक्सपीरियंस से, कि लोग सब अपना जो है हैप्पी लाइफ जीते हैं, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ हैं, तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आगे भी बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो सब एनर्जी जो है ठंडी पड़ जाती है। 2-4 दिन तो उसका असर रहता है लेकिन 2-4 दिन के बाद में सब कुछ जो है ठंडा पड़ जाता है और वो हार्मनी पीस कहीं और ही चली जाती है। वो चाहते तो हैं अपनी लाइफ में हार्मनी और पीस लाना लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 जो है 2-4 दिन के अंदर भी वो गायब हो जाती है, ठीक है। वो जो विचार हैं उनके वो बदल जाते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो मैंने बताया ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती होगी, आते होंगे चले आते होंगे, तो जब वो आते होंगे तो 2-4 दिन बहुत गर्मजोशी में वो आपको बहुत ज़्यादा एहसास कराते होंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत आपको लाइक करता हूँ, मैं आपके लिए मरता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और 2-3 दिन के बाद में वो एनर्जी ठंडी और फिर भाग गए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। जिस पर्सन को भागने की आदत पड़ गई है ना वो कभी भी नहीं टिक सकता कहीं भी, ठीक है। क्योंकि वो टिकता है ना तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि वो भाग जाए यहाँ से। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप लोग उनसे बोलते होंगे कि मुझे पैसे चाहिए, आप लोग बोलते होंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ठीक है। जब वो इन चीज़ों को सोचते हैं तो सोचते हैं कि मुझे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर 2-3 दिन में वो भाग जाते हैं। ऐसे पर्सन का आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस, ठीक है। देखिए अभी उनका मन कर रहा है कि मैं ये प्यार का ऑफर दूं, ठीक है, करता है, आपसे अपना परिवार भी देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लाइक तो करते हैं आपको। लेकिन यहां पर देखिए स्ट्रेस का कार्ड है, उनको बहुत जल्दी स्ट्रेस भी हो जाती है क्योंकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में नाकामयाब हैं।
जब भी आप उनके ऊपर कुछ बर्डन डालते हैं तो भाग लेते हैं, आपकी जिंदगी से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एंजॉय करना ही अच्छा लगता है, खाना पीना मौज करना सोना और कोई टेंशन नहीं लेना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्यार तो वो करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते। देखिए, ठीक है, देखिए द फूल का कार्ड है, शुरुआत भी करना चाहते हैं, नई बिगनिंग भी आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय भी बदल रहा है। सन का कार्ड है, आपसे जो है वो नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे अपने बच्चे देखते हैं, परिवार देखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो भागते रहते हैं। वाओ, तो लवर का कार्ड है, वो आपको प्यार करते हैं, आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है कि वो इसको बर्डन समझने लग जाते हैं, इस रिलेशनशिप को बर्डन समझने लग जाते हैं। कुछ टाइम के लिए तो वो खुश रहेंगे लेकिन उनको ये हजम नहीं होती खुशियाँ, इसलिए वो भाग जाते हैं, या फिर वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं और सिरदर्दी मोल लूं। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, वो फिर ये सोचते हैं कि मुझे बात नहीं करनी है। अब देखिए, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही, कार्ड बता रहे हैं कि आप लोगों में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना के बराबर, अगर थोड़ी बहुत होती भी होगी तो भी ना के बराबर। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैं तो तब बात करूंगा या करूंगी। ठीक है, आप ऐसा अड़े खड़े हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, और आप लोग सोलमेट हैं, प्यार भी बहुत है, अट्रैक्शन अटैचमेंट भी बहुत है, लेकिन जब कभी वो आते भी होंगे या आने की सोचते भी होंगे या कभी कभी एक आध बार कॉल किया भी होगा, तो आप लोग पास्ट को लेकर के लड़ाई करते होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती होगी, या उनकी फैमिली इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप अपनी पावर में आते किन ऑफ सोर्ड्स की में, कि बस मुझे नहीं चाहिए मेरे पार्टनर, फिर कहेंगे वहीं पर रहो, थर्ड पार्टी में रहो हमेशा हमेशा के लिए, नहीं चाहिए। फिर वो सोच लेते हैं कि ठीक है, यहाँ तो ऐसी ऐसे है थर्ड पार्टी में, ठीक है तो मुझे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ठीक है, ये रिवर्स में आए हैं तो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, बाढ़ में जाए। ठीक है, क्यों कमिटमेंट देना है, फिर इस वजह से वो जो है वहीं पर रुक जाने की सोचते हैं, और वो आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज नहीं करने की सोचते हैं। तो ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो गाइज ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, मेरे से सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहे हैं, ये किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, मैंने बताया था ट्रस्ट इश्यू भी है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर फिर से ट्रस्ट इश्यू आते हैं, फिर से आप लोगों के बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो सोचते भी हैं तो फिर उनका माइंड चलना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं अभी तो पहले वाली बात रही ही नहीं। ठीक है, आप कुछ बताते ही नहीं, अब आप मेरी व्यूवर्स इसलिए नहीं बताते कि ये पर्सन जब आता ही नहीं है लाइफ में, ये पर्सन जब हमारी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है, तो इससे बात शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है, और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे से कुछ छुपा रहे हैं और ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं और बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए भी हम देख लेते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। देखिए, ये टाइम हील करने का, अभी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। ठीक है, ये टाइम हील करने का है कि आप हील करिए पास्ट को, अपने दुखों को हील करिए। ठीक है, वो कैसे होगा, आप मेडिटेशन करिए, 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, 10-11 मिनट, 25 मिनट, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं, तो जैसे जैसे आप हील करेंगे ना अपने आप को, तो आपकी लाइफ में टेंशन कम होगी। अभी देखिए, और आप अपने जो कभी ड्रीम देखे थे आपने, उनके ऊपर वर्क करना शुरू करिए। जब तक आप किसी काम में बिजी नहीं रहेंगे, तब तक आप सोचते रहेंगे अपने पार्टनर के बारे में, सोचते रहेंगे, इससे क्या होगा कि टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, आपको जो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया की जैसी समस्या हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप अपने जो है ड्रीम्स, जो कभी आपने सपने देखे थे, उनके ऊपर वर्क करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो वो भगवान की मर्जी है। गाइस, मैं और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी की कमान संभालिए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की कमान संभालिए, आप ड्राइवर सीट पर आ जाइए और अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़िए।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम एक्शन लेने का है, आप पीछे मत हटिए, आपने जिंदगी में जो सपने देखे थे ना उन सपनों को पूरा करिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, हो सकता है कि आपको ये रीडिंग से गुस्सा भी आए कि मैडम ने कैसे बता दिया, लेकिन जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है वही बता रही हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी हमें कड़वा सच भी जो एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको करना भी चाहिए, जितना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप अपने जो है जितना आप अपने ड्रीम्स पर काम करेंगे, जो आपने कभी सपना सोचा था और आप कर नहीं पाए अपने जो है ससुराल आने के बाद में, तो आप उनके ऊपर वर्क करिए, आपकी जब नेम फेम होगी, आप जब कमाने लगेंगे तो सब भागे भागे आपकी तरफ आएंगे, फिर वो चाहे फैमिली हो चाहे वो आपके पर्सन हो, सबको पैसा प्यारा है, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा होगा, इज्जत मान सम्मान होगा, तो सब आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। फिर वो आपको अपना समझने शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कुछ समझा नहीं आपको, लेकिन जैसे ही आपके पास इनकम आने लगेगी तो सब अटैचमेंट दिखाना शुरू कर देंगे, आपके रिलेटिव्स भी आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, आपके फैमिली भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ठीक है। हर कोई आपको सपोर्ट करने की सोचेगा, आपके साथ में रहना पसंद करेगा। तो गाइस आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपना कोई काम करिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए, ये टाइम है, आप अपने ड्रीम्स पर वर्क करिए और आगे बढ़िए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, और बाकी आपकी लाइफ आपका डिसीजन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि उनकी तरफ से कुछ मैसेज कि उनके दिल में चल भी क्या रहा है आपके लिए, ठीक है, वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, वाकई में क्या सोचते हैं, उनके डीप जो है फीलिंग्स क्या हैं, वो हम मैसेज के थ्रू जानेंगे। और मैं यहां पर आपके पर्सन के साइन बताना चाहूं तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, एरीज लियो सजिटेरियस, 12 की 12 राशि हैं, आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसमें सभी साइन आ जाते हैं, सभी के लिए है, जिसको रेजोनेट हो जाएगी उसके लिए तो बहुत ही ये पर्सनल रीडिंग की तरह है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने मैसेज निकाल ली है, अभी हम देख लेते हैं। देखिए, आई एम कमिंग इन वन सीजन, टेक केयर ऑफ योर डेमन्स वाइल आई टेक केयर ऑफ माइंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप जो आपके आसपास, यानी कि मैंने बताया कि वो जैसे फैमिली में फंसे हुए हैं तो उनको गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी कोई और है तो उसमें गलत गाइडेंस मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि मैं तो इनसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, और आप भी प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। यानी कि वो उनकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी सोच को बदल दिया। मैंने बताया कि लोगों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उनकी फैमिली इंटरफेयर कर रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई कॉन्ट बिलीव यू लेफ्ट मी, उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, आपने उनको भुला दिया है, ठीक है। कभी कभी उनको एहसास भी होता है कि आप उनको याद कर रही हैं, आपकी वाइब, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उनको जो है महसूस होती हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। यू आर माई एंजल, वो ऐसा कह रहे हैं कि आप मेरी एंजल हैं। हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, वो आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल भी देखती हैं। देखिए सोच तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रोल ट्रस्ट इशू का है, लोगों का है, आपकी फैमिली का है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, तो कई यहाँ पर इशू है, वो भी तो अपना रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार तो है, अटैचमेंट भी है, लेकिन उसमें कई चीज़ें अपना जो है रोल अदा कर रही हैं और उनका मिक्सचर बन गए हैं आपके पर्सन। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं लूँगी करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग में, तो आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं इस रीडिंग में तो वो है अश्विन और निशा की शादी कब होगी, ठीक है। ये मेरे व्यूवर्स ने पूछा है, अश्विन और निशा की शादी कब होगी, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में होगी, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है। अश्विन और निशा की शादी कब होगी, अश्विन और निशा की शादी कब होगी, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए, अश्विन और निशा की शादी कब होगी, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। देखिए गाइज ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो गाइज यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड निकला है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है जो आपका पार्टनर बनेगा वो काफी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी का है, और ये आपको बहुत ज्यादा चाहेगा, और
ये आपको दिल से चाहेगा, दिल से प्यार करेगा, ठीक है। और आपकी शादी जो है 1 मंथ में हो सकती है, पक्का हो सकती है। आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है 1 मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मंथ दिखा रहा है ये कार्ड, क्योंकि कप्स की एनर्जी मंथ को दिखाती है, तो 1 मंथ का टाइम है। हो सकता है कि आपकी 1 मंथ में एंगेजमेंट हो जाए और उसके बाद में आपकी मैरिज की डेट भी पक्की हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मंथ का टाइम आपके लिए निकला है और ये काफ़ी केयरिंग पर्सनैलिटी है, काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी के पार्टनर मिलेंगे आपको, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति और आदित्य, इनके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि स्वाति और आदित्य की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। टाइम पीरियड बताइए मुझे, स्वाति और आदित्य की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी? स्वाति और आदित्य की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी? देखिए गाइस, ये कार्ड निकल करके अपने आप ही मुझे मिला है, मेरी गोद में गिर गया था, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कार्ड बताना चाह रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और आप फंसे हुए हैं, तो जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं जुटा करके उनका सामना नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जा सकती, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि स्ट्रेंथ की बात है, आप स्ट्रेंथ जुटाएं और उनका सामना करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए। जब तक आप स्ट्रेंथ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए यूनिवर्स ने आपको ये पावर दी है। देखिए, इन्फिनिटी सिंबल आप देख सकते हैं कि जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं जुटाएंगे तब तक ऐसा चलता रहेगा। अगर आप स्ट्रेंथ जुटा करके आगे बढ़ते हैं तो कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता है। आपको अपने पावर में आना पड़ेगा, ठीक है। बिना पावर में आए तो कुछ भी नहीं मिलता है गाइस। देखिए, जब तक हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे किसी चीज़ के लिए तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा और स्ट्रेंथ में आकर के अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ की कमान संभालेंगे तभी आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है, जिस दिन भी आप ये ऐसा कर देंगे उसी दिन आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।